हाँ तो पब्लिक कैसे हो सब। आई होप ऑल डूइंग इज वेल। वीडियो बनाए हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं सोशल मीडिया से रिलेटेड अपडेट करता रहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं हम PSL से। PSL का बायकॉट चल रहा है, वो इसलिए क्योंकि PSL ने कोलैबोरेशन करी है KFC के साथ। KFC एक इसराइली ब्रांड है जो कि इसराइल को सपोर्ट करता है, और इसराइल और फलस्तीन की काफी टाइम से जंग चल रही है, इस वजह से बहुत ज्यादा बायकॉट का सीन चल रहा है। तो चलते अपने सेकंड न्यूज पे। ताहा उस्मान का अकाउंट बैन हो गया, उसपे वो काफी ज्यादा अपसेट थे और वो कह रहे थे कि टिकटॉक पे हैशटैग चलाओ अनबैन ताहा उस्मान। यार आप सबके सपोर्ट की वजह से मैं आज यहाँ पर पहुँचा था और मेरा अकाउंट बैन कर दिया गया है। आप सब मुझे बहुत सपोर्ट करते हो, लेकिन यार आज मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं हैशटैग मेंशन कर रहा हूँ, हैशटैग ताहा उस्मान 777 अपनी हर वीडियो में यूज कीजिए, और कमेंट्स में टिकटॉक को अपील करें कि ताहा उस्मान का अकाउंट जल्द से जल्द अनबैन करें। आपके प्यार और मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। तो इसी के साथ चलते अपने नेक्स्ट न्यूज पे। मैंने आपको अपनी रिसेंट वीडियो में बताया था कि कैनी डॉल और जन्नत मिर्जा को टारगेट करा है उमर भट्ट ने, जिसमें वो कह रहे थे कि जो मुझे सताए वो खुसरा नचा है। तो इसी पे वो स्टोरी पोस्ट करते हुए कहते हैं कि यार वो पुरानी वीडियो है, ये पेजेस वालों को और कोई काम नहीं है, ये किसी भी चीज का कॉन्टेक्स्ट उठाकर कभी भी छोड़ देते हैं। और वो कैनी डॉल को मेंशन करके कहते हैं ही इज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। खुदा का वास्ता है पेजेस वालों को फुप्पो वाली हरकतें ना किया करो व्यूज और लाइक्स के खातिर। तो चलते अपने नेक्स्ट न्यूज पे। मोहम्मद अफान कैसा डकी भाई को टारगेट करते हुए कह रहे हैं। डकी भाई ने अरूप जतुई को गिफ्ट दिया था 15 लाख का बैग, उसी पे वो कह रहे थे कि डिवोर्स वगैरह इससे बहुत होंगी, जो मिडिल क्लास बंदा होगा वो अपनी वाइफ को कभी भी ऐसा गिफ्ट नहीं दे पाएगा, ये माशरा खराब कर रहे हैं। ये वीडियो देखिए जो मेरी स्क्रीन पर चल रही है, ये 15 लाख रुपए का बैग है, 15 लाख रुपए का बैग जो एक मारूफ यूट्यूबर ने अपनी अहलिया को दे दिया। यही वो है जिन्होंने पहले अपनी करोड़ों रुपए की गाड़ी ली थी और उसको फिर बाद में सेल किया था, और वो पूरा प्रोसेस पूरी कॉम ने देखा था। ये सारा घन चक्कर है, मतलब गाड़ी ली, बेच दी, महंगा बीवी को पर्स ले दिया, पूरी कॉम को दिखा दिया। पूरी कॉम की वो बिचारी बेगमात, जिन बेचारों के शौहरों की 20-25 हजार तनख्वाह नहीं है, जिनके घर में 2 वक्त रोटी नहीं है, उन सारियों के दिमाग आपने छत से जा मारे। आप दें भाई, जो बेगम को देना दें, आपको अगर पैसे हैं, आप कहीं से भी कमा रहे हैं, कमा आप उन्हीं व्यू से रहे। इसी 15 लाख के बैग की वीडियो डाल के आपने 30-40 लाख कमा लेना है, लेकिन इससे जो मुआशरे का माइंडसेट बिगड़ेगा, जो घरों में तलाकें होंगी, उसका कौन जिम्मेदार है। तो चलते अपने नेक्स्ट न्यूज पे। आज के मैच के दौरान PTI का एक फैन नारे लगा रहा था PTI जिंदाबाद के, उसी पे स्टेडियम में बहुत ज्यादा हंगामा हुआ है और उसको अरेस्ट कर लिया गया है। उसकी वो वीडियो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। तो आप सबने देखा कि आज के मैच में क्या सीन हुए, हर जगह इमरान खान की पब्लिक मौजूद है। अब देखते हैं प्राइम मिनिस्टर कौन बनता है। तो चलते अपने नेक्स्ट न्यूज पे। इकरारुल हसन ने कहा है अपनी वीडियो में कि वो दोबारा हक खतीब के आस्थाने पे जाएंगे और उनको एक्सपोज करके आएंगे। अस्सलाम वालेकुम। हमने अब तक हक खतीब नाम के फितने को बेनकाब करने की जिद्दोजहद की है, लेकिन आज से अब से हम इस फितने के खात्मे की तहरीक का आगाज कर रहे हैं, और इसके लिए इंशाअल्लाह अजीज हम एक मरतबा फिर हक खतीब के आस्थानों पर जाएंगे, और अब की बार तब तक वापस नहीं लौटेंगे जब तक इसके ये अड्डे मुकम्मल तौर पर बंद नहीं हो जाते। कि इस्लाम ये नहीं है, इस्लाम का ये हुलिया नहीं है जो हमें हक खतीब की शक्ल में नजर आता है। इस्लाम हमें ये नहीं सिखाता कि आप मुंह से कीले निकालें, आंख से जंजीरें निकालें, ख्वातीन का इस्तेहसाल करें, बच्चों का इस्तेहसाल करें, मरीजों का इस्तेहसाल करें, गरीबों और मसाकीन का इस्तेहसाल करें, महज अपने नजरानों के चक्कर में, महज लंगर के नाम पर इन तमाम गरीबों और मरीजों से पैसे बटोरने के लिए। हम इस्लाम का असल चेहरा दुनिया के सामने रखें सब मिलकर इंशाअल्लाह अजीज, लेकिन उससे पहले हम सबको मुत्तहिद होना है, हम सबको इकट्ठे होना है, और उसके लिए मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि हमारा एक प्लेटफॉर्म ऑलरेडी मौजूद है, आप सब आइए और हम सब हुर्मते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाबाज बनकर आगे बढ़ते हैं और दुनिया को इस्लाम का असल चेहरा दिखाते हैं। आपके वो अकेले नहीं जाएंगे, अपनी पूरी फोर्स और टीम के साथ जाएंगे और वो अच्छी तरह एक्सपोज करके आएंगे। इसी पे मुफ्ती तारी मसूद की भी एक वीडियो आई है, वो भी मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। बहादुरी को दाद देनी चाहिए, मैं कहता हूँ बहुत ही हिम्मत वाला काम किया है, और इकरारुल हसन का तो माजी रहा है माशाल्लाह, ये सब कर रहे हैं, वो बहुत सारी चीजों को एक्सपोज किया। बिलावड़ा शरीफ जा रहे हैं अवाम का समंदर लेके, अवाम को लेकर जा रहे हैं, तो इस बारे में क्या रहा है, जाना चाहिए उनको या नहीं जाना चाहिए? देखें मेरा मशवरा ये है कि एक दफा जब एक्सपोज कर दिया ना बहुत अच्छे तरीके से, अब छोड़ दें, कहीं और जाएं आप, ठीक है? मेरा मशवरा है, आपने लिया है तो बता रहा हूँ।
तो चलते अपने नेक्स्ट न्यूज पे। एफएम रेडियो ने स्टोरी पोस्ट करी थी जिसमें वो कह रहे थे कि वीडियो जरूर देखना, कहीं आपके साथ भी ऐसा स्कैम ना हो। आज वो वीडियो पोस्ट करते हैं जिनमें वो स्कैम के बारे में बता रहे होते हैं, लेकिन मेरी पेमेंट ने महीने की पेमेंट आती है, ये होता है वो होता है, तो लाइक वो किसी तरह बंदू से पैसे खाने की कोशिश कर रहा है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब भी कभी आप लोग कोई इस तरह के आपके साथ सीन हो कि अनएक्सपेक्टेड आपको मैसेज आ जाए आपके दोस्त का कि भाई मुझे इतने पैसे चाहिए मुझे दे, तो काइंडली पहले अपने दोस्त से कंफर्म कर लिया करो, उसके बाद दूसरा स्टेप। तो बस इसी के साथ वीडियो का इख्तिताम करते हैं, लाइक कर दें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक कमेंट कर दें कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है। तो मिलते हैं फिर न्यू अपडेट के साथ।